यूपी के प्रयागराज लकड़ मंडी में भाजपा नेता दुर्गेश चौहान की पड़ोसी विनोद चौहान से शनिवार दोपहर पुरानी रंजिश में विवाद हो गया। वहां पर मारपीट और धमकी के बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि गोली लगने से दुर्गेश और विनोद की मौत हो चुकी है। वहीं विनोद की बहन रानी और पड़ोसी युवक चिंटू भी गोली लगने से जख्मी है। दोनों को पुलिस ने अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया है। देर रात भाजपा नेता के घर वालों ने मृतक विनोद और उसके परिजन और पार्षद समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। लकड़ मंडी निवास दुर्गेश लकड़ी का काम करता था। उसकी कैबिनेट मंत्री रहे सिद्धार्थनाथ सिंह और नंद गोपाल नंदी के साथ की फोटो फेसबुक पर अपलोड है। इस चुनाव में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। शनिवार की दोपहर 2 बजे वो कहीं जा रहा था। उसके घर के पास ही विनोद चौहान का घर है। विनोद के घर वाले वहां पर 2 बजे तक होली खेल रहे थे। इस दौरान विनोद और दुर्गेश का विवाद हो गया। उनके बीच मारपीट भी शुरू हो गई। दुर्गेश के भाई अरुण ने आरोप लगाया कि विनोद, उसके भाई, भतीजे आदि लोग ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके पर विनोद की बहन रानी और चिंटू घायल मिले। दोनों ने पुलिस को बताया कि रंग लगने से नाराज दुर्गेश ने अपने अवैध पिस्टल से गोली मारी थी। 2 गोली मारने से विनोद की मौत हो गई। ताबड़तोड़ फायरिंग से रानी और चिंटू के पैर में गोली लगी। इसी दौरान भीड़ ने दुर्गेश का असलहा छीनकर उसे गोली से उड़ा दिया। फरीदाबाद के लकड़ मंडी में गली में एक ही 50-60 मीटर की डिस्टेंस पे 2 परिवार रहते हैं, दुर्गेश सिंह चौहान का और विनोद सिंह चौहान का, और उसी गली में होली हो रही थी। वो दोनों के बीच कोई रंजिश नहीं पहले से बताई जा रही है। दोनों परिवारों के बीच से किसी बात का लेकर कोई विवाद भी नहीं था। ये होली खेली जा रही थी विनोद के घर के सामने। उसी समय वहाँ पे दुर्गेश उसके पहुँचने की वजह से, और अभी जो तात्कालिक जानकारी मिली कि रंग पड़ने को लेकर विवाद हुआ दोनों लोगों के बीच में, और उसी विवाद की वजह से इनके बीच में फिर फायरिंग की घटना हुई है और उसमें विनोद और दुर्गेश दोनों की मृत्यु हो गई है। जो डेड बॉडी मोर्चरी में रखी गई है, इस घटनाक्रम में वहाँ पे आई हुई एक विनोद की बुआ थी रानी और एक सामने लड़का रहता था चिंटू, वो घायल हुए हैं, पैर में गोली लगी है, वो बिल्कुल खतरे से बाहर है और ठीक है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अभी आरंभिक जानकारी इतनी आई है, अभी दोनों पक्ष से कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। जैसे ही मिलती है उस हिसाब से, और हम जाँच करा रहे हैं, वहाँ पर कई टीमें लगी हुई हैं, क्राइम ब्रांच के लोग भी लगे हुए हैं, और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाए। ठीक। दुर्गेश की मौत की खबर मिलते ही मोहल्ले में कोहराम मच गया। दर्जनों महिलाओं समेत सैकड़ों लोग स्वरूप रानी अस्पताल पहुंच गए। एसपी सिटी, सीओ समेत कई थानों की पुलिस बल भी बुला ली गई। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।